प्रभु यीशु में भाइयों बहनों को शांति हो। आज का जो हमारा वचन है वो है मत्ती उसका 5वां अध्याय 10वीं आयत। इसमें कहते हैं, धन्य है वे जो यातनाएं भोगते हैं नीति के हित, स्वर्ग का राज्य उनके लिए है। आज जब हम संसार में रहते हैं तब संसार में कई हमें परेशानी रहती है, क्योंकि हम विश्वास योग का जीवन जीते हैं। जिस तरह से प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है उस तरह का जीवन हम जीते हैं, पर कई बार ये हमारे लिए दिक्कत खड़ी करता है। कई बार हम लोगों के साथ मिक्स नहीं हो पाते, क्यों? क्योंकि वो लोग जगत का जीवन जीते हैं और जगत का जीवन हम नहीं जी सकते। कई बार हमें ऑफिसेस में, हमारे काम में, हमारे स्कूल में, हम कॉलेज में, कई जगह हमें ये दिक्कत आती है, क्योंकि हम उनके तरह नहीं जी सकते हैं। कई बार हमारे ऑफिस में हमारे प्रमोशंस रुक जाते हैं, लोग कहते हैं कि आपको प्रमोशन नहीं मिल सकता, क्योंकि आप अगर बड़े ओहदे पे जाओगे तो बड़े ओहदे पे बहुत गलत काम करने होते और आप गलत काम करते नहीं हो, इस वजह से आपको ये प्रमोशन नहीं मिल सकता है। कई बार हम स्कूल में, कॉलेजेस में हमें अलग रखा जाता है, क्योंकि हम उनकी तरह गंदा काम नहीं कर सकते, हम उनकी तरह चीटिंग नहीं कर सकते, हम उनकी तरह लोगों से लड़ झगड़ नहीं सकते। परमेश्वर ने हमें ये नहीं सिखाया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम नीति से जियो और नीति का भाग तुम्हें मिलेगा। जब प्रभु यीशु पृथ्वी पर थे तो उनको हर एक बात के लिए लोग उनको सताते थे। सबसे पहली शुरुआत हुई थी शैतान से। शैतान ने, जैसे ही परमेश्वर ने अपना कार्य चालू किया, कि शैतान ने उनकी कसौटी करना चालू कर दिया, उनको सताना चालू कर दिया, उनको अलग अलग तरह से उनको भरमाता रहा, उनका धोखा देने लगा, उनको सताने लगा, उनको अलग अलग तरीके से उनको लालसा देने लगा, पर प्रभु यीशु कहीं भी उसके हाथ नहीं लगे, कहीं भी वो हार नहीं गए, कहीं भी उन्होंने शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज जो भी हम लोग विश्वास का जीवन जीते हैं वो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो हमारे साथ लोग हमें परेशान करेंगे ही, पर परमेश्वर का वचन कहते हैं कि धन्य है ये लोग क्योंकि आकाश का राज्य उनके लिए है। परमेश्वर की स्तुति हो के परमेश्वर ने हम जैसे लोगों को पसंद किया है। प्रभु यीशु यूहन्ना के लिए जो बात बोलते हैं कि वो तो एक जलता और प्रकाशता हुआ दिया है। यूहन्ना 5:35 में प्रभु यीशु यूहन्ना के लिए क्या कहते हैं कि यूहन्ना उस दीपक की तरह था जो जलता है और प्रकाश देता है। कितनी अद्भुत बात है। हमारा जीवन हर एक लोगों के लिए प्रकाश का कारण होना चाहिए। हमारे जीवन के द्वारा अनेक लोग प्रभु यीशु को पहचानने चाहिए। हमारे द्वारा अनेक लोग प्रभु यीशु को हम में देखने चाहिए। हम लोगों से अलग है और हम उनके जैसे नहीं है। जगत के लोगों से हमारा जीवन बिल्कुल अलग है, वो दिखना चाहिए। आज के ज़माने में ये करना बहुत कलेजे का काम है। कोई सच्चा हीरो ही ये कर सकता है। जब हम जवान होते हैं तो इस तरह के परीक्षण बहुत आते हैं, पर अकेले स्टैंड लेना ये एक हीरो कर सकता है। हम परमेश्वर के हीरो हैं और ये काम केवल हम ही कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है और परमेश्वर ने हमें अपना बल दिया है, अपनी सामर्थ्य दी है, उसका पवित्र आत्मा दिया है जो हमें सारे सत्य में लेके जाता है और हमें हर समय हमारी सहायता करता है, हमें मदद करता है। और प्रभु यीशु हमारा रास्ता है जो हमारे आगे चलता है। प्रभु की सेवा के लिए भी हम जहाँ जाते हैं वहाँ सब जगह ये होता है। आज की सरकार में ये होता है, हम जिस देश में, हम जिस जगह पर रहते हैं, लोगों को ये पसंद नहीं होता कि हम बड़ी अच्छी तरह से जिए, नीति से जिए, वो लोगों को पसंद नहीं होता है। तब हमारे आगे बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है कि हम परमेश्वर को ही पकड़ रखेंगे तब परमेश्वर हमसे खुश होगा। जब हम सुसमाचार देने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे लोग मानते, बहुत सारे लोग नहीं मानते, पर परमेश्वर का वचन इसी बहाने जाता है और परमेश्वर के वचन देने के द्वारा लोग हमारा जीवन देखते हैं, क्योंकि बोलने से ज़्यादा जो हम करते हैं उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कहने को तो बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं, पर जब तक हम करके नहीं दिखाएंगे तब तक लोग मानेंगे नहीं। तो जब हम अपना जीवन जी के दिखाते हैं तब लोग परमेश्वर को मानते हैं। हमारे जीवन के द्वारा लोग प्रभु यीशु को मानते हैं। हमारा जीवन जो है वो प्रभु यीशु का
प्रतिबिंब है। तो चाहे कितनी कठिनाई आए, चाहे कितनी मुश्किल आए, इस जगत में हमें प्रभु यीशु को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ऊपर हमारे लिए एक जगह और बनाई हुई है। धन्य है वे जो नीति के लिए जिसको सताया जाता है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनके लिए ही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें ऐसे रहने के लिए अपनी शक्ति दे। ऐ हमारे पिता, हमारे खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु आपने हम थोड़ों के लिए अपना राज्य तैयार किया है प्रभु, और आपने हमें अपने राज्य में बुलाने के लिए ऊपर गए हो। आप हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हो, हमें वो अपना सामर्थ्य दीजिए प्रभु, कि हम आपके लिए स्टैंड ले सके, हम आपके लिए खड़े हो सके, हमारे कुटुंबों में, हमारे सोसाइटियों में, हमारे काम करने की जगह पे, जहाँ हम पढ़ जाते हैं वहाँ पे, सब जगह हम आपके लिए खड़े हो सके। इसके लिए आपकी कृपा होने दो प्रभु। हमारा जीवन हम आपको समर्पित करते हैं, कहीं भी हम शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, परंतु प्रभु हम आप ही से जुड़े रहे, इसके लिए आपकी कृपा, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।